तुर्कियोपी इलाके में एक नव विवाहित की संदिग्ध स्थिति में मौत। मायके वालों ने हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया। छानबीन में जुटी पुलिस। जिले के तुर्कियोपी क्षेत्र के भुतही गाची से पुलिस ने देर रात अधजले शव को चिता से उठाया। पुलिस के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। शव जलाने वाले सभी लोग भाग निकले। पानी की मदद से चिता बुझाई गई। फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव की पहचान दिनेश कुमार की पत्नी नीलू कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर वैशाली जिले के भगवानपुर से उसके मायके वाले भी पहुंचे। पुलिस पूछताछ में दहेज के लिए हत्या करने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया गया है। ओपी प्रभारी रवि प्रकाश ने बताया कि पोस्टमार्टम से पता लगेगा कि हत्या किस प्रकार की गई थी। जो आवेदन मिलेगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना के बाद मृतका का पति समेत अन्य लोग फरार है। देर रात उसके घर पर छापेमारी की गई थी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। जानकारी के अनुसार पुलिस पूछताछ में पता लगा कि नीलू की शादी कुछ वर्ष पूर्व हुई थी। उसने हाल ही में दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मायके वालों का कहना है कि बेटी के ससुराल वाले दहेज में रुपए और बाइक की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी कि दहेज दे पाते। इसी कारण ससुराल वाले उनकी बेटी को प्रताड़ित किया करते थे। तो करीब वही 2 बजे तक ले बातचीत हुई है लड़की से। इसके बाद में मोबाइल कट हो गया। 2 बजे दोपहर 2:20 तक लगभग। इसके बाद में जैसे मोबाइल रख दिया गया। इसके बाद में जब 4 बजे हम लोग फ़ोन किए तो सब मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। इसके बाद में मेरा अपना जो छोटा भाई जो है सो फ़ोन किया परिवार वाले, मैंने बगल के लोगों को। तो बगल के लोगों को जब कॉल जब किए तो उठाया गया फ़ोन। उठाने के बाद में जैसे कुछ जवाब उसको बोला गया कि तनिका बात कराओ घर पे ले जाके। तो बात कराने के लिए गया तो रुकिए हम बात कराते हैं, लेकिन वो भी मोबाइल बंद कर दिया। बंद करने के बाद में आशंका हो गया कि भाई भाई बात क्या है। वहाँ पर जब जाया गया तो घर पूरा लॉक था। लॉक होने के बाद में हम लोग लगे खोजने के लिए लोग गया कहाँ। जाने के बाद तब अगल बगल के लोग जैसे कोई भी वहाँ पे नहीं था। तो हम लोग जैसे गेहूँ वहूँ के खेत उत में खोदने लगे कि लाश भाई क्या क्या बात है कि भाई बंद है। इसके बाद में मालूम चला मेरे भाई को कि ऐसे ऐसे बोलो वहाँ है लाश। तो वो कहाँ था वो लाश? गाछी में था। तो गाछी में वहाँ से लाश को बरामद किया गया प्रशासन के साथ। हाँ, आग अधजल था। लगभग वही 20% लाश जल चुका था। शक लग रहा है कि मारा गया है। कौन कौन मारा? वो उनके परिवार का लोग, पति हो गया, सास हो गया, ससुर हो गए। हाँ, दहेज का प्रताड़ित मैटर। डिमांड वही लगभग उनके बगल का है। हम कई बार मालूम चला था कि वो लोग बोल रहे थे कथी कि 2-4-5 लाख रुपया चाहिए हमको। तो चाचा हैं तो बोले कि भाई ऐसे ऐसे कह रहा है। तो हम लोग कई बार जाके समझाए उनको। तो जब हम लोग जब समझाते थे तो नहीं ऐसा कोई बात नहीं है कह के हम लोग टार मटोर देते थे। आने के बाद फिर पीटा जाता था। कहो तुम अपने भाई, हाँ चार नहीं 4-5 साल से नहीं, वही लगभग 2 साल से, 2 साल से चल रहा है। इसके बाद में कब शादी हुआ था? शादी कब हुआ था याद है? लगभग 4-5 साल हो गया शादी। बच्चा है, जुड़वा बच्चा है, एक बेटा है, एक बेटी। आगे क्या आप लोग चाह रहे हैं? न्याय चाहिए। आगे हम लोगों को न्याय चाहिए, उचित न्याय चाहिए। क्या तो थाना तो बरामद करके हमको जिसे दिया है लाश, थाना के साथ बरामद हुई है। थाना भी झूठ, थाना बीका हुआ है। तो क्या करेगा थाने? तो हम लोग इन्फॉर्मेशन दिया कि वहाँ पे लाश जल रहा है। एक लाश नहीं, एक आग लगा हुआ है। बोला कि आग लगा हुआ है। तब हम लोग गए तो उसको भाई खोद खाद करके बुताए और निकाले तो हम लोग को लाश बरामद हुआ।